हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यूज लेके आई हूँ कि TRE 3 का जो रिजल्ट है वो किस वजह से देरी हो रहा है और अभी कितना टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि रिजल्ट देरी हो रहा है, बहुत मतलब सभी को टेंशन होता है। और मैं अपना बताऊँ तो मैंने भी कई एग्जाम दिए थे, उसका रिजल्ट का इंतजार करते करते मतलब इतना हो जाता है कि आदमी डीमोटिवेट होने लगता है कि अब पढ़ाई करें या रिजल्ट का वेट करें। तो आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि रिजल्ट को जब आना होगा आ जाएगा, आप लोग रिजल्ट के उस पर मत बैठो, आप लोग अपना तैयारी और करते रहो अदर एग्जाम की। अगर कुछ नहीं तो कम से कम सुपर टेट या फिर TRE 4 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि अभी कल से न्यूज आ रही है कि सुपर टेट भी का अध्याचन में अभी ऐड होगा, जो वो बनना था वो बन चुका है। तो चलिए बता देते हैं, यहाँ पे एक आया हुआ है, इसमें लिखा है TRE 3 के रिजल्ट में देरी की वजह बना रोस्टर क्लियरेंस। इनसे जो रोस्टर क्लियरेंस मांगा गया था ये सभी जिलों से अभी नहीं गया हुआ है, इस वजह से आप लोगों का लेट हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देती हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से की जा रही तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्तियों का रिजल्ट अभी जारी नहीं हो सका है, जबकि इसकी परीक्षा हुए कई महीने बीत चुके हैं। और यह किस लिए हो रहा है कि 50% आरक्षण के हिसाब से जिलों में रोस्टर क्लियरेंस कराया जा रहा है। एंड और बहुत सारे जिलों से ये मांगा गया था, मतलब जितने भी जिले हैं बिहार के सभी जिलों से रोस्टर क्लियरेंस मांगा गया था, बट अभी 2 या 3 जिलों से बस गया हुआ है और बाकी 4 और 5 इन्होंने लिखा है, 4 या 5 जिलों से रोस्टर क्लियरेंस भेजा गया है, जबकि अभी और जो जिले हैं उन्होंने रोस्टर क्लियरेंस नहीं दिया है, इस वजह से आप सभी के रिजल्ट में हो रही है देरी। तो अभी थोड़ा सा देरी होगा, अक्टूबर लास्ट वीक या फिर नवंबर में ये आएगा आप लोग का रिजल्ट, दिन उसके बाद अक्टूबर में ही आपका TRE 4 आएगा। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि अक्टूबर में ही TRE 4 आएगा, उससे पहले उम्मीद मत कीजिएगा। और जो लोग TRE 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना करते रहें, और अगर करना चाह रहे हैं तो अपना स्टार्ट कर दें, किस तरह से करना है कैसे करना है। आपको पढ़ना है NCERT और बिहार का NCERT, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है अभी के लिए, बस इतना स्टार्ट कर दें। आगे जो होगा मैं आप सभी को बताऊँगी कैसे पढ़ना है। एंड कुछ आप लोग के आए थे मेरे बारे में कि आप बोलते बोलते नर्वस क्यों हो जाते हो, कि क्या है। तो डियर, अभी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं लगातार बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा सांस फूलने लगता है या मैं हाफ जाती हूँ बोलते बोलते। तो लगातार मैं कई मिनट तक नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाना होता है तो लगातार बोलना पड़ता है, या फिर मैं इसको पॉज करके फिर से थोड़ा रेस्ट करके फिर बोलूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ। तो आप लोग को लगता है कि मैं नर्वस हो गई हूँ, तो ऐसा नहीं है, नर्वस नहीं हूँ, बस प्रॉब्लम है थोड़ी सी। और क्या है वो आप सभी को कुछ दिनों में पता चल जाएगा, मैं आप सभी को बताने वाली हूँ क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप सभी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा देर होगा अभी, तो अपना प्रिपरेशन चालू रखिए TRE 4 का या फिर किसी और एग्जाम का। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।